हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर थोड़े इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से स्वागत करती हूँ। ओके, अज असी करांगे अनइंप्लॉयमेंट दे एमसी मतलब असी समझ लिया सी, हुण असी अज की करांगे दे एमसीक्यू करांगे। ओके, बाकी मेरे इंस्टा आईडी है किरणजोत188। अगर कोई भी तुहानू डाउट है एग्जाम रिलेटेड वैलिड डाउट है तो तुसी इत्थे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा कि साडा प्रताप अकैडमी चैनल मतलब चैनल है, ऐप है, इन्हें तुसी डाउनलोड कर लो, ठीक है। इहदे उत्ते असी पीडीएफ अवेलेबल कर देंगे जो भी असी करा रहे हैं। ओके, तो तुसी इहदे जो तुहानू कंसैप्ट समझ आएगा, हुण मैं अनइंप्लॉयमेंट समझाया सी, ठीक है। इतना लेटर तुसी खुद भी जे क्वेश्चन आओगे तुसी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अनइंप्लॉयमेंट कराया सी ते टाइप्स करवाइया सी, हुण इहदे क्वेश्चनस ने। ये क्वेश्चन तुसी खुद बड़े ईजली सॉल्व कर सकते हो। मैं तुहानू पहला भी एक गल कहनी है कि अगर तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर ने उस तो बाद एमसीक्यू जरूर करो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक तो क्लैरिटी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता, तो जल्दी आंसर सॉल्व कर सकते, क्योंकि जो जीएस कर लोगे मैथ रीजनिंग फटाफट कर सकते हो। ओके, तो कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर तुम कॉन्सैप्ट समझ रहे, ठीक है, भावें 400,000 क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सैप्ट, तो ईजली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुम कॉन्सैप्ट पता। पर सीधा ही अगर मतलब किसी किताब से 10-20 क्वेश्चन कर लोगे और तुम लगता है कि हाँ मेरा क्लीयर हो गया, ठीक है, अगर उन्होंने उस क्वेश्चन ही नहीं पाया, ठीक है, फिर दिक्कत होगी। इस करके कॉन्सैप्ट पहला करो, फिर एमसीक्यू करो और स्टैटिक क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। करंट अफेयर जो की आता है इसे कुछ नहीं कह सकते, तो कितों भी पा सकते, बट स्टैटिक जो है हिस्ट्री पॉलिटिक ज्योग्राफी प्लस इनवायरमेंट इकनोमिक्स, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ना इन्हों चंगी तरह पढ़ जाओ, ठीक है। कॉन्सैप्ट चंगी तरह रट जाओ, ठीक है। हिस्ट्री में स्टोरी वाइज जरूर पढ़ना। वैसे अंकित सर ना वो सारे कराते, तुम अगर अंकित सर की वीडियो देखोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे हिस्ट्री एनशियट हिस्ट्री को लैके। ओके, तो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के भी टॉपिक असं करावे। मेरा यह है कि तुम कॉन्सैप्ट पता है, मैं कॉन्सैप्ट कराए पे क्लासेस में, तुम एमसीक्यू करवावे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं तुम समझा दूंगी कि मतलब ये पिछले की कॉन्सैप्ट है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनइंप्लॉयमेंट है अराइजेस व्हेन देयर इज अ जनरल डाउनटर्न इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। ये कह दिया हुआ है कि जो तो बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए तो केड़ी बेरोजगारी होंगी इन्हों विचों, ठीक है, इन्हों विचों केड़ी बेरोजगारी होगी, स्ट्रक्चर फ्रिक्शनल साइकलिक और डिस्कस। हुण ये जिद्दां मैं तुहानूं अनइंप्लॉयमेंट कराया सी, ठीक है, तुसीं आराम नाल पढ़ सकते हो स्ट्रक्चर में केड़ी होंदी फ्रिक्शन च साइकलिक डिस्कस में केड़ी आउंदी, जो तुहानूं इस चीज़ां दी नॉलेज है तो तुसीं सही आंसर ते पहुंच जाओगे। ये कहने भी जो बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए मतलब जो रिसेशन आ जाए, ठीक है, जो पहला बिजनेस जरा सी वो पीक ते सी, ठीक है, बूम बूम मतलब पीक ते, फिर वो डाउन हो गया, उसने कि बेरोजगारी आएगी साइकलिक अनइंप्लॉयमेंट। उस बाद डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट में समझाया सी, ठीक है, तो बार दोबारा नहीं समझाऊंगा लैक्चर लंबा हो ना, बस मतलब ऑप्शन से जाने हैं। डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट होंगे लार्ज नंबर ऑफ इंप्लॉय रिमेन अनइंप्लॉयमेंट, जो ज़्यादा लोग बेरोजगार रह जाए, ठीक है, यह मतलब नहीं होंगे। अल्टरनेटिव इंप्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, यह मतलब ही नहीं होंगे, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है, एक ने क्या प्रोडक्टिव वर्कर इज लो, ठीक है, लो नहीं मतलब जीरो हो जाए जो, ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो हो जाए उन्होंने कहते हैं डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट। जो मतलब पिछले समझाया सी, कोई किसान है एक किले में 1,00,000 कमा दिया, ठीक है, फिर वो बीमार हो गया, उन्हें 5 बंदे दिहाड़ी के रख ले, हुण 5 बंदे च भी पैसा उन्होंने देना पौगा कुछ ना कुछ, तो उन्होंने प्रॉफिट किन्ने का होया, 50,000 का प्रॉफिट होया, ठीक है, 50,000 का उन्होंने प्रॉफिट होया 50,000 का। हुण उस तो बाद मान लो जी डैथ हो गई, ठीक है, वो अगे वे 4 मुंडे से, ठीक है, 4 मुंडिया ने जमीन वंड ली, हुण प्रॉफिट उन्होंने भी होर दिहाड़ियां ने लाते, वो करके प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो जो 1,00,000 की जगह उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं बचा, मतलब जीरो प्रॉफिट होंगे, नील प्रॉफिट होंगे, उन्होंने कहोंगे मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, मतलब प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं पा रही, जो कि एक किला जो एक बंदा सांभ दिया 1,00,000 रुपया कमा दिया, ठीक है, हम ज़्यादा लोग जुड़ गए ये उत्ते, ठीक है, वो करके प्रोडक्टिविटी डाउन होंगी गई। मतलब डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट की होंगे कि एक मतलब छोटे जे काम जो मतलब ज़्यादा लोग काम कर, जो काम दो बंदियों को हो सके, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, जो एक काम है किसी जमीन पर कोई काम है जो दो बंदे कर सकन, बट तुसीं उहदी जगह 10 बंदे लगा दो, प्रॉफिट आपे घट आएगा। ओके,
उन्हें कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट इन एनी इकोनॉमी ड्यू टू पीपल बीइंग इन प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, ये कहते हैं वो बेरोजगारी जो लोग एक जॉब तो दूसरी जॉब से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने कैसी बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें दसिया सी। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो एक जॉब तो दूसरी जॉब सर्च करते हैं जो शिफ्ट होते हैं। ओके, उन्होंने कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये किसके द्वारा किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा किया जाता। और जी तुम मैं स्टार्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज किया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज किन्ने किया सी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, और लेबर पार्टिसिपेशन का डेटा कौन रिलीज करती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। पिछली क्लास में कराया सी, अगर तुम वो क्लास नहीं देखी तो पहला वो क्लास जरूर देखियो। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे याद रखना कि कौन करती है, एनएसओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस लोअर देन द नॉर्मल। क्वेश्चन कहते हैं कि बेरोजगारी मतलब वो बेरोजगारी जो कुछ टाइम ले रहे वो भी क्यों, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड घट गई। जो मैं तुम्हें पहला गया कि गर्मियों में सर्दियों के कपड़े की डिमांड घट जाती है, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े की डिमांड घट जाती है। और सर्दियों जो कश्मीरी शॉल है बहुत फेमस है, पर लोग गर्मियों से नहीं लैन गए क्योंकि गर्मियों उन्होंने लोड़ नहीं पैंती, वो डिमांड कदों आएगी सर्दियों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जिमें कूलर एसी यदि डिमांड कदों ज़्यादा रहेगी गर्मियों में, क्योंकि जिदा गर्मी बढ़ती है लोग चाहते असी एसी लवा लीए। ठीक है, कूलर लवा लीए। ओके, सर्दियों में लोड़ नहीं पैंती यदि। ठीक है, उस तरह डिमांड अकॉर्डिंग चीज़ होती, जिमें गर्मियाँ सर्दियों में गीजर की लड़ पैंती है, गर्म पानी की लड़ पैंती है, वो गर्मियों नहीं पैंती। ठीक है, जो किसी चीज़ की डिमांड करके वो करके बेरोजगारी आ जाए। ओके, उन्होंने की कह कहे असी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि सर्टेन टाइम नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। जिमें मैरिज पैलेस किया सी मैं, ठीक है, मैरिज पैलेस सर्दियों में चलते, गर्मियों नहीं इन्ना चलते क्योंकि ब्याह ज्यादा कि सर्दियों में होंगे। ओके, उन्होंने कहते सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फुल इंप्लॉयमेंट किनू कहे ये फुल इंप्लॉयमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत हो गए, वैसे तो कमेंट सैक्शन में कोई भी आंसर नहीं दिता है, फिर भी चलो मैं क्वेश्चन छड़ा दी, अगर तुम आंसर दोगे वधिया नहीं तो अगली वाली मैं दवांगी। ठीक है, फुल इंप्लॉयमेंट जो पूरे साल मैं मतलब समझा देनी है, जो पूरे साल रुजगार रहेगा तो वो कहड़ा इन्हों। ठीक है, कि चीज़ नहीं होएगी तो पूरे साल रुजगार रहेगा, मतलब पूरे साल रुजगार रहेगा वो इन्होंने कई बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नो साइक्लिंग, नो स्ट्रक्चर और नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यह आंसर तुम खुद करोगे और तुम दसोगे भी क्यों, क्योंकि अगर तू ये समझ गए तो ये समझ भी जाओगे। नेक्स्ट बाकी जो तुम ना भी करोगे मैं तो दसागी ही बाद अगली बारी, बट कोशिश करो कि आंसर दो, क्योंकि मैं देखा हुआ कि क्लास जो मेरी आती है तुम कमेंट्स कर दें मैडम बहुत वधिया क्लास है। देखो बहुत वधिया क्लास मैं उदो लगेगी जो तुम मतलब कि मैं लगेगा तो समझ आ गया। ठीक है, मैं इसलिए ना करो कि असी मतलब कि असी क्लास करवाने हैं तो तुम होंगे कि नहीं सानू शेयर करना चाहिए, सानू कमेंट करना चाहिए। कमेंट इस करके भी करो जो तुम सच्ची समझ आया कॉन्सैप्ट। ठीक है, ये दसो कि सानू कॉन्सैप्ट समझ आया, जो कोई डाउट रह गया, जो सानू ये चीज समझ नहीं आई, जो सानू ये बारे दसो। ठीक है, मतलब होर सानू होर भी की डाउट है वो बारे दसो। ठीक है, फिर सानू लगता कि हाँ कि तू क्लास जी है वधिया तरीके नाल सुनी। ओके, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन है टिपिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ये बेरोजगारी ये उदो होंगी है जो ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज रादर दैन फ्लक्चुएशन ऑफ सप्लाई और डिमांड। ठीक है, इन्होंने पूछा इन्होंने कि अनएम्प्लॉयमेंट है वह उदो होएगी जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता। ठीक है, जिदा मैं तुम्हें दसिया कि पहला की सी लोग पेपर वर्क करते हूँ, उस तो बाद कंप्यूटर आ गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होने करके कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिजिटल हो गया, हम ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हम पुराने जो लोग है उन्होंने औखा है।
नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिकॉर्डेड एज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हों विचों केड़ी है एक साहब की डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट गिनी जाती है, ठीक है, इन्हें चो केड़ी है जी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट गिनी जाती है। यह आंसर भी तुम खुद दोगे, वैसे मैं लगता नहीं, मैं दे दिनी यहाँ आंसर, ठीक है। बाकी अगली बार ही तुम खुद क्या करो कि मैडम एक दो क्वेश्चन सानू मतलब कर दिया करो, सानू कह दिया करो कि ये क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। फिर मैं अगर तुम सच्ची समझ आते फिर मैं ये कि मैं भी मेहनत कराँगी, होर टॉपिक्स लैके आवानगी वधिया वधिया जिहड़े तुहानू कंसैप्ट जो समझने बहुत जरूरी है। इस करके डाउट पूछा करो, कुछ नहीं समझ आता यह पूछा करो, ओके। और पूरी क्लास देखा करो, इन ये क्लास आई तो पाँच दस मिनट बाद ही लाइक मारता और मतलब लिखना शुरू करता, वधिया मैं अप्रीशिएट करती हूँ क्योंकि मैंने पता है मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास उन्होंने कोर्सेस ले आ, उन्होंने एग्जाम क्लीयर किए तो वधिया मतलब उन्होंने पता है कि पढ़ाएंगे, बट फिर भी पूरी क्लास देख के हो सकता कि तुसी ऑलरेडी मेरे को पढ़िया हुआ पर फिर भी तुम होर डाउट्स होने थे जो कोई मैं नवी, क्योंकि हर बार जो मैं क्लास करवानी है तो कुछ ना कुछ नव दस दी है, ठीक है, नव कॉन्टेंट दस दी है, पुराना नहीं नवा क्योंकि अपडेट हों रहा, ठीक है। इस करके पूरी क्लास सुनिया करो और वह मतलब फिर रिस्पोंस कराया करो कि मैडम हाँ सानू समझ आया, ठीक है, ओके। इन्हों में कड़ी जिन्हों से डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहोंगे, हम इन समझने लिए ऑप्शन समझने लिए तुम्हें पता होना चाहिए डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यह है कि क्षमता है, ताड़ा स्किल है, ताड़ी अबिलिटी है एक लाख कमाने की, ठीक है, हम बट तुम कमा किन्ने रहे हो, ठीक है, हजार रुपए, इन्हों डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहोंगे, ठीक है। एक तो हो गया एक जमीन के घट लोग लगे, ठीक है, उदा ताड़ी अबिलिटी एक लख दी है बट तुम जिथे काम कर दे सिर्फ तुम हजार रुपए दे दे, मतलब ताड़ी अबिलिटी घट है, ठीक है। तो इनू एक इनू कहोंगे अंडर इंप्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी यही है कि जो तो एक जरा कम है तुम अगर घट लोग कम करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते बट तुम ज़्यादा लाए तो प्रॉफिट जरा मार्जिनल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। अंडर इंप्लॉयमेंट भी यही है कि जिथे तुम एक लाख कमा सकते हो तो तुम हजार रुपया मिलन दिया, ठीक है, हर वाली मैं एक लाख लावगी दो लाख क्योंकि अपना स्टेटस बधाओगे असं वध कमाने, पैसा सारे जरूरी है, इस करके अपनी अबिलिटी पहचानो, अपनी एक पहचान बनाओ, ठीक है, कि मेरे में क्षमता आवे कि मैनू महीने से दो लाख तीन लाख मिलने चाहिए, ठीक है। इस करके अपने आप को जो तक तुम अपने आप से यकीन नहीं करते जो तक तुम खुद से नहीं अबिलिटी महसूस होंगी कि हाँ मेरे में ये चीज़ है, टैलेंट है, ठीक है। जिदा हम की है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी उन्होंने अचानक उन्होंने मर्डर हो गया, ठीक है, बट उन्होंने तो सीखो, उन्होंने कभी भी अपने का कभी भी यही नहीं किया कि लोग मतलब कहते कहते जो कहते बट उन्होंने हमेशा अपने आप से प्राउड महसूस किया, ठीक है। लोग तेरे बारे की कहेंगे चंगा माड़ा बोलेंगे पर तुम्हें तो अपने आप से माण होना चाहिए, उन्हें सब तो वधिया गल सी कि उन्होंने अपने आप से माण सी, ठीक है, उन्होंने हमेशा अपने आप को दसा कि हाँ मैनू अपने माण है, मैनू अपने मेरे च दम है, ठीक है, भावें उन्होंने कहा मैं रब तो डरदा, इन्हों से हंकार नहीं कहोंगे जो असं अपने आप से मानते हैं, अपने आप से माण करते हैं, ठीक है, असं सोचते हैं कि साढ़े च दम है अपनी जिंदगी जीन का, अपनी जिंदगी बनाने का, तो इन्हों से हंकार नहीं कहोंगे, ठीक है। तो उन्होंने सीखो कुछ अंडर इंप्लॉयमेंट, ओके, समझ आया। नैक्सट विच आर द फॉलोइंग रिप्रजेंट द लॉरेंस कर्व, ठीक है, हम जिदा मैं फिलिप कर्व कराई सी, ठीक है, फिलिप कर्व कराई सी और होर भी अनइंप्लॉयमेंट रिलेटेड सी, इनफ्लेशन रिलेटेड कराई सी मैं, ठीक है, लाफर कर्व, फिलिप कर्व और लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है, ठीक है, एक ये क्या गया वा वैसे मैं बाद करावगी डिटेल उदा दस दिनी है, ये क्या गया कि जिदा अमीर डिवेलप कंट्री जिमें USA है, फ्रांस है, जर्मन है, इंग्लैंड है, ठीक है, हुण इन्हां कंट्रियां विच की है कि जिदा जिदा पैसा आया लोगों को वैल्थ आया तो लोगों ने जो फैसिलिटियां है वो वधिया करती हैं। हुण तुम बाहर चल जाओ अमेरिका वड्डी वड्डी कंट्रियां चल जाओ उत्थे देखो हैल्थ फैसिलिटी किन्नी वधिया है, एजुकेशन फैसिलिटी है, ठीक है, सड़कां किन्नियां साफ है, मतलब रूल रेगुलेशन किन्ने वधिया है, वो क्यों है क्योंकि लोगों को वैल्थ आए, पैसे आए तो उन्होंने चैरिटी की उन्होंने अपने आले दुआले का एरिया जरा वधिया करता। इतना रिलेटेड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है लॉरेंस कर्व जिसमें यही दस्या। नैक्सट है वट इज सीजनल अनइंप्लॉयमेंट, तुम्हें पता सीजनल अनइंप्लॉयमेंट क्या होता, ठीक है, तो ऑप्शन से जाओ तो सही आंसर आ जाए। काइंड ऑफ अनइंप्लॉय जनरली फाउंड, पहली ऑप्शन यह कहता ज़्यादातर अर्बन एरिया में पाई जाती है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ज़्यादातर पाई एग्रीकल्चर आती है पर फिर भी यदा किसी एरिया रिलेटेड नहीं है। सीजनल अनइंप्लॉयमेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब फॉर सम मंथ ऑफ द ईयर, ये स्टेटमेंट सही है
कि चलो लोग रोजगार ना मिले या फिर बेरोजगार हो जाए कुछ महीनों के लिए, ठीक है। जिक मैं तक वाटी का टाइम है 6 महीने बाद होता, 6 महीने बाद तक लोग की रहते बेरोजगार रहते जो वाटी का काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं वाटी, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स आर एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मतलब ये मतलब पूरा साल नहीं नौकरी मिल पाती, ये गलत है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है 6-6 महीने बाद नौकरी मिलती है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, सीजनल जो कुछ महीने तक नौकरी ना मिल पाई। नेक्स्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ 5-year प्लान। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है कि 5-year प्लान में चल लिया गया, 10th 5-year प्लान में लिया गया, ठीक है। 5-year प्लान में ऑलरेडी तुम डिटेल में कराया क्लास है ऑलरेडी। नेक्स्ट है सैक्टर कवर दूस इंटरप्राइजेस प्लेसिस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट आर रेगुलर, ठीक है। कहते हैं इन्होंने कि सैक्टर है जिथे जी नौकरी है रेगुलर है, ठीक है। देखो दो सैक्टर है, एक ऑर्गनाइज एक अनऑर्गनाइज। ऑर्गनाइज सैक्टर जिथे तुम किसी कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट साइन है 5 साल का 10 साल का, जिथे तुम फिक्स सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते बेनीफिट मिलते हैं, ठीक है। दूजे होंगे अनऑर्गनाइज सैक्टर, ठीक है। अनऑर्गनाइज सैक्टर में आ जाते, ठीक है, जिसका मतलब किसी ने जूस की गोलगप्पे दुकान लगा ली, ठीक है। उन कोई मतलब ये नहीं है रजिस्टर्ड है, जिमें और ट्यूशन वगैरह कोई पढ़ाते हैं, ये सारे की अनऑर्गनाइज सैक्टर कि रेगुलर नहीं है, मर्जी के मालक है, कर ली नहीं की कुछ और कर लिया, ठीक है, नॉट रेगुलर। और अनऑर्गनाइज सैक्टर रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो उन्हें की पूछे रेगुलर पूछे ऑर्गनाइज सैक्टर, पर ज्यादा लोग इंडिया में 92% लोग जड़े ने वह अनऑर्गनाइज सैक्टर काम कर रहे हैं, रेस्ट आर इन ऑर्गनाइज सैक्टर। नैक्सट इन्होंने क्वेश्चन नहीं है, ये मैं सिर्फ दसिया वै कि अगर तुम क्वेश्चन आ जाता कि सरकार ने सरकार की कर रही है महंगा अनएम्प्लॉयमेंट लैके बेरोजगारी दूर करने के लिए कि स्कीम लैके आई है, ठीक है। कुछ स्कीम ने जिन्हें स्माइल PM दक्ष मनरेगा सब तो फेमस ये क्वेश्चन भी आते हैं, उस तो बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। कुछ स्कीम्स ने जिड़िया सरकार लैके आई सी बेरोजगारी दूर कर ली, ठीक है, चल रही है। अगर तुम इदा का क्वेश्चन आ जाए कि स्कीम जी बेरोजगारी दूर करेगी तो यह सारिया स्कीम ने, यह डायरैक्टली रिलेटड है कई इनडायरैक्टली रिलेटड होंगे। मनरेगा, मनरेगा मैं ऑलरेडी कराया क्लास में, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इतने। हाँ एक स्टूडेंट का यह भी डाउट से कि नीति आयोग के MCU करवा दो मैडम, ठीक है, नीति आयोग की मैं क्लास प्रोवाइड कर दाँगी, ओके। मनरेगा, मनरेगा की है, एक लार्जेस्ट वर्क गरंटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड, हाँ ये सही है, पूरी दुनिया में पहला यह प्रोग्राम है जरा मतलब कि वे लैवल से है, ओके। ये स्कीम जी गरंटी देगी 100 days ऑफ इंप्लॉयमेंट इन एवरी फाइनैशियल ईयर, हर साल के अंदर हर साल के गरंटी देगी कि 100 दिन तो तुम काम मिलेगा ही। जे रजिस्टर करा लेंगे ना मनरेगा ना रूरल एरिया, उन्होंने गरंटी दी जाती है कि 100 मतलब जिन्ना पूरा साल 365 days 300 दिन तो तुम मतलब 100 दिन तो तुम गरंटी है कि काम दिता जाएगा, ठीक है। इतने भी ये न्यूज़ में मनरेगा क्योंकि PIL पटीशन जी फाइल की गई और कहा गया कि 100 to 200 दिन वधाए जा, हले वधाए नहीं है हले क्या गया बट हले कि 100 दिन, इसलिए याद रखना की वर्ड याद रखा करो, ठीक है। नैक्सट है वेजिस जी पेड की जाए मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मिनीम वेज एक्ट, ठीक है। मिनीम वेज एक्ट है जरा अकॉर्डिंग जी सैलरी पे की जाएगी, ठीक है, क्योंकि जरूरी है सैलरी पे करनी पैनी, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन ग्राम सभा हैव टू अक्सेप्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरमीडिएटरी एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। चौथा ऑप्शन कह दिया कि ग्राम अगर ग्राम पंचायत को जेने डिस्ट्रिक्ट लैवल डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है, जेडी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है अगर वो कहती सलाह दी है कि तू ही इदा ही करना तो उन्होंने मननी पेगी, ये गलत है कि क्योंकि ग्राम जरा मनरेगा वा कि नौकरी मिलनी चाहिए कि मैनेज करना कि कंट्रोल करना कि रिस्पोंसिबिलिटी संभाली वो सारी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है। ग्राम सभा चाहे तो सलाह मान सकती है, ठीक है, ब्लॉक लैवल की या डिस्ट्रिक्ट लैवल की, ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी ना काम करेगी जिदा लगेगा कि इस गाँव में मतलब इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए रजिस्टर्ड ने जो भी है, ग्राम सभा मेन रिस्पोंसिबल है। इस बस याद रखना कि तुम्हें क्वेश्चन आता कि मनरेगा की रिस्पोंसिबिलिटी कितने ग्राम सभा से कि काम देना मैनेज कि करना वर्क, ओके। वैसे डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर है ऑफिशियली तो
पर एकदम ग्राम सभा दसंगे सर क्योंकि ग्राम सभा नहीं पता होगा। ओके फोर्थ ऑप्शन गलत है, इस करके एबीसी थ्री मतलब 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। ठीक है ये क्वेश्चन कह दिया हुआ है कि मतलब कि एक आदमी और नौकरी करना चाहता हुआ है कट वेज पे भी करना चाहता पर नौकरी मिल नहीं दे उन्हों की कहोंगे उन्हों कहोंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है वॉलंटरी मैं तुम दसिया कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो बिना मतलब पर डे के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं कि मैंने अज काम मिल गया अज मैं काम कर लूंगा। ठीक कोई फिक्स नहीं है किसी के एग्रीमेंट थले नहीं है ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट के थले है उनके वॉलंटरी इनवॉलंटरी होंगे है कि वो काम करना चाहते पर काम है ही नहीं है। ठीक है इनवॉलंटरी अनइंप्लॉयमेंट सीजनल तुम पता है। ओके नेक्स्ट अंडर द मनरेगा स्कीम टोटल कंट्रोल इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ठीक है आंसर खुद कर सकते क्योंकि हमने दसिया ग्राम पंचायत। हू डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट किसने बनाया किसने डिवेल्प किया ही जॉन रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट अब की है ये तुम स्टेटमेंट पूछ रहा है इफ न्यू कंप्यूटर आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी अगर नवे कंप्यूटर किसी कंपनी में लगाए जाते हैं इंप्लॉयड आर फायर्ड फ्रॉम जॉब ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है जो उन्होंने इंप्लॉयज कट दिता जाता जिन्होंने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो तुम उन्होंने केड़े बेरोजगार कहोगे समझ आया क्वेश्चन इदा भी स्टेटमेंट आ सकती है तुम्हें कि मतलब किसी कंपनी में नवे कंप्यूटर लगे हम जिन्होंने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है कंपनियां नहीं रखनगियां क्योंकि कंपनियां काम कर दी प्रॉफिट लिए ना कि वेलफेयर लिए वेलफेयर लिए काम कर दी सरकार। ठीक है ओके तो यह आंसर की होएगा। ठीक है तो यह आंसर तुम खुद पहला दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस अनइंप्लॉयमेंट के अनइंप्लॉयमेंट कहोगे स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट मतलब कि जो हूँ स्ट्रक्चर चेंज आ गया हूँ कंप्यूटर आ गया हूँ जिन्होंने नई नॉलेज है उन्होंने कट दिता जाएगा। ठीक है स्ट्रक्चर चेंज आ गया। नेक्स्ट अंडर द मनरेगा स्कीम जॉब इज गिवन टू जॉब कि मिलती है सरकारी इंप्लॉयज नहीं सरकारी इंप्लॉयज को तो ऑलरेडी नौकरी उन्होंने मनरेगा क्यों देगी नौकरी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स नहीं फार्मर्स नहीं। ठीक है ये मिलती है जॉब कार्ड कार्ड होल्डर मतलब जो भी मनरेगा के अंडर रजिस्टर कराएगा उन्होंने कार्ड मिलेगा। ठीक है जॉब होल्डर कार्ड मिलेगा कि तुम मनरेगा के अंडर काम कर सकते हो उन्होंने मिलेगी जो। ठीक है और जॉब कार्ड होल्डर देखो स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं जिन्हों को जिन्हें किसानों को रुजगार नहीं है अपनी जमीन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है बट उन्होंने कार्ड होल्ड जॉब कार्ड कार्ड होल्डर होना चाहिए इस करके क्वेश्चन जरा ध्यान ना पढ़ के फिर सॉल्व करो। ठीक है मनरेगा न्यूज में सीखी होंगे एक पिंड छत्तीसगढ़ का शायद पिंड सी उत्थे दो ब्रदर सी एक ने प्लस टू की सी एक ने बीटेक की सी दोवां ने रजिस्टर कराया सी खुद नूं मनरेगा दे अंडर नौकरी नहीं सी। द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन वैन और ही शी मिडस्ट ऑफ द ट्रांजिट बिटवीन द जॉब सर्चिंग फॉर न्यू जॉब। ठीक है मैं पहले कराता जदों मतलब कोई बंदा ऑलरेडी जॉब चाहता नवी जॉब में सर्च करता और बाद जॉब छड़ देता नवी जॉब लिए उन्होंने कह रही अनइंप्लॉयमेंट करवाएंगे फ्रिक्शनल। अ पर्सन लॉस्ट हिज जॉब। ठीक है एक आदमी है उन्हें अपनी जॉब गवा ली इकोनॉमिक रिसेशन करके। ठीक है ही एग्री टू डू सम जॉब ऑन लो वेजेस वो एग्री है वो सहमत है कि कोई भी नौकरी कर लेगा घट पैसे वाली। ठीक है इस चीज़ को की कहोंगे असं कि बेरोजगारी कहोंगे। ठीक है हम बहुते स्टूडेंट लगे साइकिलिंग अनइंप्लॉयमेंट इन इकनोमिक रिसेशन देखे देखो इतने की गलती ना करे करो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो जिम्मे उन्होंने मस मंजी मसल सिस्टम पेपर चाया से नियाब तहसीलदार के तो कई उसे लिखे मसल सिस्टम किन्ने खत्म किया। ठीक है बच्चों ने बस मसल सिस्टम पढ़ के गुरु अर्जन देव जी से लगाता। ठीक है उन्होंने पूछे मसल सिस्टम खत्म किन्ने किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने खत्म किया इस करके क्वेश्चन ध्यान न पढ़िया करो। ठीक है हम यही क्वेश्चन है कि इकनोमिक रिसेशन करके तुम साइकिलिंग अनइंप्लॉयमेंट ला दोगे बट उन्हें सिर्फ इकनोमिक रिसेशन तक गल खत्म नहीं की उन्हें यह क्या वह कि मतलब कि वो नौकरी चली गई हूँ अपनी स्किल के अकॉर्डिंग मतलब घट घट पैसे वाली नौकरी भी करने तैयार है घट पैसे वाली नौकरी करने तैयार है यदा मतलब कि अनइंप्लॉयमेंट हो डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट। ठीक है मतलब वो क्षमता ज़्यादा कमाने की सी बट वो घट दे राजी हो गया। ठीक है मतलब वो प्रोडक्टिविटी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो गई। वट इज द राइट फॉर्मूला
ऑफ नाउन फॉर द अनइंप्लॉयमेंट रेट, ठीक है। ये अनइंप्लॉयमेंट रेट मैं पिछले क्लास लेक्चर कराया, इसका इजी है आंसर दे लोगे। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ अनइंप्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। नेक्स्ट, डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन फाउंड अनइंप्लॉयमेंट इन फॉर्म सेक्टर, ठीक है। सही स्टेटमेंट है, ज्यादातर जो डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट है वो फॉर्म सेक्टर पाई जाती और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी पाई जाती। अगर पेपर में किसान मतलब एग्रीकल्चर की जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है फिर भी सही है। नेक्स्ट, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम आर सम ऑफ द फैक्टर बीइंग डिस्कस्ड अनइंप्लॉयमेंट। ये भी सही, मैं तुम्हें दसिया कि जॉइंट फैमिली करके जमीन घट जाती है, ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो करके प्रोडक्टिविटी घट जाती है, इस करके दोनों स्टेटमेंट की सही है। वट इज अनइंप्लॉयमेंट ट्रैप, अनइंप्लॉयमेंट ट्रैप की मतलब समझाया सी कि जिन्होंने बेरोजगारी पत्ता में काफ़ी बेनीफिट मिलेंगे वो दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने लगता कि जो बेनीफिट वो मिल गया वो साढ़ा बेनीफिट चल जाएगा, मैं तुम्हें समझाया सी इस करके दोबारा मतलब उन्हें एक्सप्लेन नहीं करा, बस पिछली क्लास देख लो तुम समझ आ जाएगा। ओके, यह आंसर की सिचुएशन वैन अनइंप्लॉयमेंट बेनीफिट डिस्कस दी अनइंप्लॉयमेंट टू डू वर्क, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये सही है। ओके, बाकी तुम पढ़ लियो, बाकी तुम गलती लगेगी क्योंकि अनइंप्लॉयमेंट ट्रैप यही कहता है कि जो कोई आदमी बेरोजगार हो बेरोजगार रहना पसंद करता है वो कुछ भी करना पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने अनइंप्लॉयमेंट जो बेनीफिट मिल रहे हैं वो बेनीफिट वो चले जाएंगे अगर वो कोई होर काम कर लेगा और उस काम से उन्हें सैलरी घट मिलेगी, ठीक है। एक जगह जिदा मैं तुम्हें पिछले समझाया कि 50,000 का बेनीफिट मिलन दे, एक पास 10,000 की नौकरी मिलन दी, वो नहीं करेगा क्योंकि अगर नौकरी 10,000 की करना पे जो 50,000 के बेनीफिट मिलन दे वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण कुछ नहीं करता, उ मतलब डिपेंड रहता कि वो बेनीफिट उन्होंने मिलते रहन, ठीक है। इस करके जो बेरोजगारी होती, बाकी और दूसरे ऑप्शन देख लो कि सिचुएशन में पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब, और ये गलत है, ठीक है। ये है इन वॉलेंट्री अनइंप्लॉयमेंट, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के बेस से करते हैं। इट एफर टाइम लैग बिटवीन द जॉब एंड इंडिविजुअल सर्चिंग, ठीक है। ये फ्रिक्शनल अनइंप्लॉयमेंट है, ये फ्रिक्शनल है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर जॉब जो काम करते हैं विदाउट लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये वॉलेंट्री जी मैं दसी वॉलेंट्री अनइंप्लॉयमेंट, ये फ्रिक्शनल है। तो बची कहनी फिर अनइंप्लॉयमेंट रैप उपर वाली। अ कैटेगरी ऑफ अनइंप्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच, जो मिसमैच हो जाए मतलब तुम्हारी जी जॉब है जो जॉब है उन्होंने तुम्हारी स्किल मैच ना हो, ठीक है। जो नौकरी मतलब कंप्यूटर की जॉब है पर तुम्हारी स्किल है ही नहीं कंप्यूटर, मतलब तुम कंप्यूटर कभी चलाया नहीं तो नहीं आता चला, तुम्हारी स्किल मैच नहीं कर रहे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो कि तुम मतलब टीचर चाहूगा सॉरी टीचर चाहिए अकाउंटेंट का, ठीक है, पर तुम तुम इंग्लिश के टीचर हो, ठीक है। हम टीचर चाहिए हिस्ट्री का पर तुम मैथ्स के टीचर हो, ठीक है। मतलब ये होता कि तुम्हारी स्किल मैच नहीं कर रहे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कि हो फिर जॉब अवेलेबल टू द मार्केट बट द स्किल ऑफ द स्किल मैच नहीं कर रहे, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट साइक्लिक तुम्हें पता जो रिसेशन आता, ठीक है। फ्रिक्शनल अनइंप्लॉयमेंट जो तुम खुद जॉब शिफ्ट कर लेने एक जॉब तो दूसरी जॉब चले डिस्कस तुम्हें पता है। स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट यूजुअल स्टेटस अनइंप्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। इन्हें कहो ईयरली बेसिस, जो मैं स्टार्ट पिछले लैक्चर च कराया सी कि जी देखी जाती है वीकली देखी जाती है बेरोजगारी, डे बेस से देखी जाती है और यूजुअल मतलब साल के बेस से। इट इज इंप्लॉयमेंट स्कीम दैट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड, ठीक है। मनरेगा स्कीम बारे है कि यह स्कीम है जी प्रोवाइड की जाती है, 100 डेज गरंटी प्रोग्राम दिता जाता है अनस्किल्ड लेबरस लिए होंगे स्पेशली, ठीक है। स्कीम वाज लॉन्च इन 2007 गलत है, यह स्कीम जो मनरेगा एक्ट आया से 2005 आया से, ठीक है। लॉन्च हुई सी फरवरी 2006 लॉन्च हुई सी, ठीक है। डेट याद रखियो, दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू वर्क टू पीपल, हाँ सही है। यदि सैकेंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सैकेंड सही कह रहे दोनों, सेकंड गलत है, 1 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन चल ऑप्शन बना लो 1 और 3 फर्स्ट से थर्ड सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछा, खुद गलती कर ली, ठीक है। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा ता ही मैं देखा जो ऑप्शन नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा उन्होंने, नॉट करेक्ट पूछा तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है।
इस करके कह रही ओनली टू, बाकी दोनों करेक्ट ने। ठीक है ओके, बाकी साडा जिदा मतलब क्या कि कोर्स लाना अगर जो तुम लगन दिया महंगा है, ठीक है, तो ऑलरेडी इतने 20% ऑफ चल रहा है। ठीक है, किरण 68 कोड यूज कर सकते हो। ओके, तो यह मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है, और बाकी तुम कोई भी डाउट है साढ़े ऐप से मैसेज कर सकते हो, टैलीग्राम से मैसेज कर दो, और सर का नंबर है, इन्हें सर के नंबर से मैसेज कर सकते हो। ओके ठीक है, बाकी अपनी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, अपनी वधिया तैयारी करो, कोई भी तुम डाउट है वो असं अवेलेबल है, तुम कोई टॉपिक लगता तेरे सिलेबस में कोई टॉपिक है तुम लगता कि टॉपिक न मतलब दस दो टॉपिक का ज़्यादा, अगर टॉपिक इंपोर्टेंट है जो मतलब सारे लिए पढ़ना जरूरी है तो वह भी तुम दस सकते हो, मैं उत्ते भी क्लास प्रोवाइड कर देंगे। बाकी असं अगे कोशिश करा असी हरेक जो टॉपिक है, जो टैक्सेशन जो पेपर एक्साइज इंस्पैक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आ रहा, ठीक है, और क्लर्क का एग्जाम आ रहा, इन्होंने ठीक है जेडे टॉपिक्स ने असं टॉपिक वाइज MCQ करावे अगे। ठीक है, इस करके अपनी रिविजन करो, अपनी तैयारी जारी रखो, कुछ भी तुम कर दो, फिर भी रोज़ 3-4 घंटे जरूर कटो, अगर तेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है फिर भी 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई जरूर करो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।